Now gold is not enough. She's a स्टूडेंट्स बात करते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन, मतलब ऐसी टर्म्स जिनको मोशन की वजह से डिस्क्राइब किया जाता है या डिस्कस किया जाता है, उनको हम कहते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। उनमें से जो सबसे पहला टर्म है वो है पोजीशन। अब पोजीशन ही बेसिकली हमें मोशन का बताती है। सही है, पोजीशन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम अपना रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट तक जहाँ तक हमें जाना होता है, ठीक है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन। सही है, अब पोजीशन सॉरी ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से हम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं या जहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन को स्टार्ट करते हैं। सही है, अब इस एग्जाम्पल को देखें। लेट से आपके पास ये हमारे पास ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन आपके पास कोई भी हो सकता है, मतलब जहाँ से आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट से आपके पास ये ओरिजिन जो है वो आपका है होम, ठीक है, और जो फाइनल डिस्टेंस होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है, उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका स्कूल। सही है, अब जो होम और स्कूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपकी पोजीशन को ही लोकेट कर रहा है। सही है, दूसरा आता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने इन दोनों को डिटेल्स डिफाइन किया है विद एग्जांपल्स के। डिस्टेंस कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान का जितना भी पाथ है और उसका जो इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जिस तरह मैंने ये होम और स्कूल की मैंने एग्जांपल दी, ठीक है, पोजीशन वाले टॉपिक में, ठीक है, इनके दरमियान का जो पाथ है, ठीक है, जितना ही पाथ है उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। मतलब डिस्टेंस हमारे पास एक लॉन्ग पाथ को शो करता है, मतलब टोटल पाथ, क्योंकि एक फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, लेट से आप होम से मार्केट जा रहे हैं या होम से स्कूल जा रहे हैं या होम से किसी कहीं और जगह जा रहे हैं, सो वहाँ फाइनल पॉइंट या उस जगह तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। शॉर्ट रास्ते भी होते हैं, ठीक है, और हमारे पास लॉन्गेस्ट रास्ते भी होते हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल रास्ते भी होते हैं जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, सो डिस्टेंस हमारे पास एक ओरिजिनल और टोटल पाथ होता है। सही है, और उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पूरा हो गया डिस्टेंस, ठीक है, जिसके बहुत सारे मतलब रास्ते हो सकते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ यूं यूं भी जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब उस टोटल पाथ में से आपने एक छोटा सा पाथ निकाल लिया, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट वे निकाल लिया उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो वो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों बेसिकली पाथ को ही शो करते हैं, तो दोनों के यूनिट्स क्या होंगे, सेम होगा। मतलब डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो मीटर्स होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो भी मीटर्स होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारे पास होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब किसी भी यूनिट टाइम में किस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब यूनिट टाइम हमारे पास हो सकता है आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है और सेकेंड्स में भी हो सकता है। सही है, अब लेट से आपके पास ये हमारे पास एक ए पॉइंट है, ये आपके पास एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। एक बाइक है या स्कूटर है या आपके पास कोई भी गाड़ी है, ए से लेके बी तक का उसने डिस्टेंस कवर किया है। सही है, अब ए से लेके बी तक जो पाथ है वो आपके पास है 10 किलोमीटर। ठीक है, और उस बॉडी ने जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ए से लेके बी तक, वो उसने कवर किया है एक आवर में। ठीक है, अगर आप उसको किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 मीटर, और आप आवर्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स। अब
वी को सॉरी स्पीड को आप वी से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हैं, ये अखबार से पर यूनिट टाइम मतलब टी सेकंड्स, ठीक है टाइम। सो डिस्टेंस आपके पास है 10,000 मीटर और जो टाइम है आपके पास 3600 सेकंड, तो इसका आंसर आता है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। अब देखें डिस्टेंस भी आपके पास एक लेंथ को शो करता है, तो ये भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम जो है इसका जो यूनिट है सेकंड है, तो ये भी एक बेस क्वांटिटी को शो करता है। इन दोनों को डिवाइड करते हुए हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आ गई जिसको हम कहते हैं स्पीड। सही है। अब आपके पास ये तो हो गया आपके पास स्पीड मतलब पर यूनिट टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। सही है। अब ये जो बाइक है जो उसने पर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर, ठीक है पर सेकंड में। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म से मुराद मतलब सेम, मतलब किसी बॉडी ने कोई भी इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो किसी इक्वल टाइम में, मतलब डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है मतलब आप उसको सेम कह सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द जर्नी एक बॉडी ने, बॉडी की जो स्पीड थी मतलब सेम ही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉडी को टाइम लगा 1 सेकंड, ठीक है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फिर बॉडी यहाँ पे आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जो टाइम लगा वो भी 1 सेकंड ही लगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी है 2 मीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी डिस्टेंस कवर किया वो भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कितने टाइम में? 1 सेकंड में, ठीक है। सो हर इंटरवल में बॉडी ने एक इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल टाइम, मतलब हर सेकंड में उस बॉडी ने 2 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। उसके बाद आता है वेलोसिटी, ठीक है आप इसी डायग्राम को देख लीजिए। सही है। ये हमारे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस था ए से लेके बी तक, मतलब बाइक या किसी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, उनमें से हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिलेक्ट किया, ठीक है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पहले ही पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो इसका फार्मूला क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अब वी के ऊपर हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसके लिए आपने उसके ऊपर बार नहीं लगाया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को आप डी से शो करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे आप बार डिवाइड बाय टी। सही है। अब यहाँ पे देखें इस पे भी आप लेट से आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लीजिए, ए से लेके जो बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसका था डिस्प्लेसमेंट, वो था पाथ जो था वो उसका 500 मीटर था। सही है। ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। सही है। और जो टाइम लगा, ठीक है ए से लेके बी तक जो उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो लगा उसको 100 सेकंड, ठीक है। सो इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 5, मतलब पर सेकंड में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कवर किया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी। सही है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ये भी सेम होता है, द रेट व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें क्या था स्पीड में? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या आ जाता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आ जाता है। उसमें बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही थी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लेट से यहाँ तक जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो था आपके पास 1.5 मीटर, ठीक है। और 1.5 मीटर कितने टाइम में कवर किया? लेट से 1.5 सेकंड
सेकंड में ही कवर किया, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी 1.5 मीटर कवर किया, और कितने टाइम में किया, 1.5 सेकंड टाइम में कवर किया, मतलब इक्वल टाइम में, मतलब एक इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। टर्म है वो है आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किसी मखसूस टाइम में जितनी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इस एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और उसको ऊपर हमने एरो हेड लगाया है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने उसको ऊपर एक एरो हेड लगाया है, वेलोसिटी के ऊपर भी लगाया है, ठीक है, और टी के ऊपर नहीं लगाया क्योंकि ये हमारे पास एक स्केलर टू क्वांटिटी है, ठीक है। अब डेल्टा हमने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि डेल्टा यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है, किसकी चेंज को शो कर रहा है, वेलोसिटी की चेंज को, और टी के साथ भी हमने डेल्टा लगाया है क्योंकि डेल्टा भी यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है, चेंज ऑफ टाइम, और ऊपर शो कर रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स से आपके पास यहाँ पे कोई भी गाड़ी है, सही है, और सॉरी डेल्टा वी का फार्मूला क्या है, वी एफ माइनस माइनस वी आई, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सही है। यहाँ पे आपके पास कोई भी गाड़ी है वी आई, यहाँ वो पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, तो उसकी वी आई क्या थी, जीरो थी, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है वो उसकी कोई भी स्पीड या कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, सही है, और कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करती। और कुछ टाइम के बाद उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम डेल्टा वी निकालेंगे, अपना फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 10 में से मैंने 0 करें तो आपके पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है। आप उसको फार्मूले में पुट करें तो ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, जो वेलोसिटी इसने चेंज की, वो कितने टाइम में हो गया, वो 10, उसको 10 सेकंड्स लगे, ठीक है। सो अगर हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका जवाब आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। मतलब 1 सेकंड में उस बॉडी ने हमारे पास से 1 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेकंड है, ठीक है, और उसने इसी 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर यहाँ से लेकर, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस, तो 1 ही सेकंड में उसने वो वेलोसिटी चेंज की, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में उसने 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अपनी वेलोसिटी चेंज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, सही है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास हमेशा ज़ीरो ही हो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, मतलब हमने जब बॉडी 40 मीटर पर सेकंड भी थी तो हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट कर दी, सही है, ठीक है। ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसकी थोड़े टाइम बाद, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी हो गई, सही है, वो हो गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि पहले गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, 40 थी, और जो आगे चल के उस गाड़ी की जो वेलोसिटी हो गई वो डिक्रीज़ हो गई, क्या पता आगे जाके उसमें रफ़ सरफेस आया या राउंड अबाउट आ गया हो, इसलिए उसने अपनी गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की, ठीक है। सो फाइनल क्या है, 20 है, और इनिशियल क्या है आपके पास, 40 है, तो इसका जो जवाब आएगा -20 आएगा। इसको अगर आप फार्मूले में पुट करें, ठीक है, जो आएगा -20 डिवाइड बाई टाइम, कोई भी लेट से आपके पास 50 हो, सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में। अब नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि बॉडी जो पहले थी वो उसकी जो पहले स्पीड थी वो ज़्यादा थी, और जो उसने बाद में जो स्पीड हो गई वो उसकी कम हो गई, सो ये हो गया डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम सॉरी इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सलेशन, या इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, सही है। अब यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लेट्स से
बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी अपनी चेंज की वो 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड की। फिर आगे जाके 1 सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। फिर आगे जाके उसने की 3 मीटर पर सेकंड। सो हर इंटरवल में एक एक मीटर पर सेकंड उसने अपने वेलोसिटी में इंक्रीज़ किया, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि हर चेंज में हमारे पास, हर वेलोसिटी के चेंज में हमारे पास एक ही टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है।